रोहट कस्बे सहित क्षेत्र भर में बुधवार को सवेरे से ही रेत भरी धुंध छाई हुई है। इस रेत की धुंध से जहां जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तो वहीं रेत से आने बीमारी का भी खतरा मंडरा रहा है। गर्मी के बढ़ते तापमान व राजस्थान में चलते रेत भरी आंधी से लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए नैनीताल की घास फूस से बन रहे हैं कूलर के टाटा। कुल 8 आदमियों का स्टाफ लगा हुआ है। बनाने में पिछली बार कोरोना संक्रमण में बिक्री बहुत कम हुई। टाटा व्यवसाय सुलेमान बताते हैं कि इस बार भी माल मंगवाया है, मगर ऊपर वाले पर भरोसा है क्योंकि कोरोना में लोग टाटा बहुत कम खरीदते हैं। कुडाला फालना नगर पालिका के टोल रोड पर स्थित रेलवे के फाटक संख्या 81 पर रेलवे का करीबन 40 करोड़ की लागत से बनाए गए और 75 दिनों पूर्व आगमन के लिए शुरू हुए ओवरब्रिज शुरू होने के 75 दिनों में ही कई जगह से धंसने लगा है। कुडाला फालना नगर पालिका क्षेत्र होता है, तो ये ओवरब्रिज बनाया रेलवे ने, तो ये ब्रिज कभी भी दुर्घटना इस ब्रिज पे हो सकती है। जो ब्रिज बनाया अभी पहले से ही वहाँ से फट चुका है। मैं इनको 1-2 महीने से देख रहा हूँ। पहले तो एक उंगली जाती थी अंदर, अभी 2 उंगली जा रही है। धीरे धीरे देखा तो इस साइड से भी वो ब्रिज फट चुका है। तो ये ओवर ब्रिज कभी भी दुर्घटना का हादसा हो सकता है। जिस किसी ने भी ये ब्रिज बनाया है, कृपया करके इस ब्रिज का रख रखाव किया जाए, अन्यथा किसी की भी जान जा सकती है। हम लोगों से निवेदन है, आपने इसको लेकर सरकार को कोई शिकायत की? हमने अभी तक कोई सरकार को शिकायत नहीं की है। ये शिकायत आपको कर रहा हूँ, पत्रकार होने के नाते आपसे एक शिकायत कर रहा हूँ कि इसकी जल्द से जल्द मरम्मत की जाए या इसका कार्य किया जाए। बाली पुलिस थाना अंतर्गत लोनावा गांव में 2 पक्षों की लड़ाई में 2 घायल। घटना की जानकारी मिलते ही बाली थाना हेड कांस्टेबल अर्जित कौर, पुलिस जवान दिनेश बिस्लोई, विक्रम सिंह, पेप सिंह, विजय ने मौके पर पहुंच घायलों को उपचार के लिए बाली अस्पताल में लाया। मारपीट की घटना में सोनाराम पुत्र वर्णाराम जाति चौधरी और बाबूलाल पुत्र दीपाराम जाति चौधरी की चोट लग गई। पाली शहर में लागू हुआ रात्रिकालीन कर्फ्यू, पुलिस ने सुरसपोल पर बाजार को बंद करवाया। बाली उपखंड के भाटन गांव में बाली ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी हितेंद्र वागोरिया के निर्देशन में 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी तक 105 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। जिले में 178 स्थानों पर बुधवार को हुआ कोविड टीकाकरण। पाली जिले में चल रहे कोविड 19 टीकाकरण अभियान के तहत बुधवार को 178 स्थानों पर टीकाकरण सत्र आयोजित कर कोविड वैक्सीनेशन किया गया। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि बुधवार 7 अप्रैल को जिले में 178 सेशन साइट पर तृतीय चरण की प्रथम व द्वितीय डोज एवं फ्रंटलाइन वर्कर व हेल्थ केयर वर्कर के द्वितीय डोज का कोविड 19 टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही सरकार के निर्देशानुसार सेशन साइट पर 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी कोविड की प्रथम डोज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि CMHO डॉक्टर RP मिर्धा ने बताया कि इस अभियान के तहत 7 अप्रैल को शहर में राजकीय बांगर चिकित्सालय पाली में सखी सेंटर के पास बूथ पर व संचेत धर्मशाला पाली शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाउसिंग बोर्ड नाड़ी मोहल्ला मंडिया रोड प्रताप नगर टैगोर नगर तथा सोजत शहर में उप जिला अस्पताल में कोविड 19 टीकाकरण का सत्र आयोजित किया गया है।